कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, काना नहीं, आओ घर में पसीने पसीने वाले। नानी बोल रही है कि हट मना दे पसीने पसीने वाले। उन्होंने आज हम अभी रोहित शर्मा जस्ट आउट हुआ है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। मतलब कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं फिलहाल ठीक नहीं हूँ, बिकॉज मैं तबीयत ठीक नहीं है। वैसे कल तो बहुत तेज फीवर था, 100 डिग्री फीवर था, तो कल मैंने डोलो 650 और कुछ एंटीबायोटिक लिया। तो आज फीवर नहीं है, आज सिर्फ थोड़ा सा चेस्ट पेन हो रहा है, थोड़ा सा हेडेक है और नाक जाम है। तो लोगों ने रिकमेंड किया कि आप स्टीम लो, मतलब गर्म पानी में कपूर डाल के उसका स्टीम लो, भाप लो। तो मैं वही अभी ले रहा हूँ, और मैं अभी खाना वाना भी नहीं खाया हूँ। तो ये सारा स्टीम का प्रोसेस करने के बाद ही सोच रहा हूँ खाना खाऊंगा, कुछ खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो नानी यहाँ पे भी आराम कर रही है और खाना वाना नानी रेडी कर दिया। सुबह में उठ के रोटी और भुजिया बना लेना, नहीं कुछ बना है। और आज है अपना छुट्टी, कल रात में 3 बजे तक काम किया था। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सोच रहा हूं मैं गमछी लेकर क्या कर रहा हूं, तो यार जब स्टीम लेते हैं ना, तो सर को ढक कर उस जैसे इसमें ले रहा हूं, तो इसके ऊपर से ये गमछी को पूरा ऐसे करके स्टीम लेना होता है, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है वो। तो फिलहाल अभी स्टीम लेके दवा खा के अभी जा रहा हूँ सोने। यहाँ पे हो रहा है गर्म पानी, इसमें मैं कपूर डाल दिया हूँ, अभी इसका जो स्टीम है वो काफी हेल्प करेगा। फिलहाल अभी टाइम हो गया है 4:30, अभी फटाफट से मैंने ओट्स खाया, बिकॉज चावल खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है ना, बिकॉज चावल खा लूंगा तो और फीवर और सर्दी का चांस होता है, तो इसलिए मैंने चावल नहीं खाया है, ओट्स बना के खाया है। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5 बजने वाला है अभी, तो जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुआ था और अभी ये देखो धूप उग गया है बहुत कड़ा। ये पानी गर्म करते करते लाइट कट गया अपना, चलो पानी गर्म हो गया। वैसे अभी कपूर डाल दिया हूँ, कपूर पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है बिकॉज बीच में लाइट कट गया, तो अभी फटाफट से स्टीम लेते हैं जी। पानी ओ पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, इसको भी ले चलते हैं, रखते हैं भाई। फटाफट से स्टीम लेते हैं, और सामने से अभी धूप भी आ रहा है, तो धूप और स्टीम का कॉम्बिनेशन मिला के तो सर्दी है उसको अच्छे से ठीक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब गर्मा गर्म स्टीम निकल रहा है, तो ये गर्मा गर्म ठंडा ना हो जाए इसके पहले स्टीम लेते हैं, और फिर अपना क्योंकि तो भाई 2 तारीख को मुझे निकलना है, तो उसके पहले सर्दी बुखार जुकाम सबको रानी भगा देना है एकदम, नहीं तो फिर अगर रास्ते में कहीं अगर तबीयत खराब हुआ तो फिर वापस लौट के आना पड़ेगा। 2 मिनट स्टीम लिए और पूरा सीने पसीने हो गया एकदम। ना 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 ना, पंखा चलाएंगे फिर इसका असर ही नहीं रहेगा, ये पसीना थोड़ी ना है, तो ये भाप से बनित ना हुई वाला पानी है सर। तो स्टीम वाला आइडिया वैसे सही था। मैं भी मैच देख रहा हूँ इंडिया और हांगकांग का, अभी रोहित शर्मा जस्ट आउट हुआ है, तो काफी सैड मोमेंट था, और रोहित शर्मा का नाम लिया और हाजिर। तो विराट कोहली और केएल राहुल खेल रहा है, तो अभी जस्ट मैंने लॉगिन किया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। रोटी और इतनी सारी रोटी बन चुका है, और यहाँ पे नाने भी हेल्प कर रहे रोटी बनाने में, मैं बेल रहा हूँ, पसीने पसीने पूरा हो चुका हूँ, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, काना नहीं, बोल रहा आओ घर में पसीने पसीने वाले। नानी बोल रही है कि हट मना दे पसीने पसीने वाले, उन्होंने आज हम बनोगे। तो आप देख सकते हो खाना बनाने में कितना मेहनत लगता है, तो आप समझ सकते हो कि जो किचन में रहता होगा उसको कितना मेहनत लगता होगा, मतलब हैट्स ऑफ जो खाना बनाते हैं।